बात करते हैं खंडवा की, जहां रविवार को हनुवंतिया वोटिंग क्लब शुरुआत का पहला दिन था, जिसमें करीब 200 से अधिक पर्यटकों ने वोट क्लब का आनंद लिया। तो वहीं पर्यटकों का कहना है कि हमने हनुवंतिया का काफ़ी नाम सोशल मीडिया खबरों के माध्यम से सुना है, जो आज यहां आकर बहुत अच्छा लगा। तो वहीं हनुवंतिया पर्यटक केंद्र के मैनेजर दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते 5 माह से अधिक समय से हनुवंतिया पर्यटन स्थल बंद था। हनुवंतिया पर्यटन स्थल बंद होने के बाद यह पहला रविवार है जिसमें 200 से 250 के करीब पर्यटक यहां घूमने, सैर सपाटा, वोटिंग करने पहुंचे। तो वहीं धीरे धीरे पुनः रौनक लौट रही है और कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, टेम्परेचर मशीन सहित सभी नियमों का पालन पर्यटन स्थल पर किया जा रहा है। और वो वोटिंग से डर रहे तो वो ऊपर है, वो लोग क्या होंगे आप? बाइक आ रहा है। अच्छा अच्छा, उसके बाद सीधे वापस। अच्छा जी, क्या नाम लिखते हैं आप? जितेंद्र सोनी जी। हमारे साथ प्रकाश सोनी है, मेरे मामा जी के बच्चे। ये शंकर सोनी है, मेरे भाई। हनुवंतिया जो नहीं घूम पाए मध्य प्रदेश में रह के, वैसे हनुवंतिया के बारे में आज पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि इस लागत और इस व्यवस्था के से जो माँ नर्मदा के यहाँ आकर हमें गोवा जैसा फील होता है, मगर हमें गोवा जैसी सुविधाएं यहाँ नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र है। पिंड से आए हैं सर, और कहना यही है कि हनुवंतिया मध्य प्रदेश में एक ऐसा टूरिज्म है जिसे आप फील कर सकते हैं जैसे हम समुद्र किनारे हैं। आपको यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है अभी? हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मान के चले कि हम एकदम बड़े सुख और सुकून में हैं, क्योंकि अथा जल राशि और वो भी माँ नर्मदा की गोद में। अच्छा, जैसे आज क्या रविवार का ये पहला था वोट क्लब शुरुआत का दिन, वही है कि अभी भी सुबह से काफी लोग आ रहे हैं, क्योंकि जैसे न्यूज वगैरह आई हैं, आप लोगों ने बताया है, सब लोगों ने बताया है, जिस वजह से जो है सुबह से लगभग 100-150 लोग तो आ चुके हैं, और भी मतलब काफी अच्छा रिस्पांस है, काफी भीड़ अभी भी आ रही है और शाम तक और भी आने की उम्मीद है। कॉटेज वगैरह में अभी वीकेंड्स में तो अच्छी बुकिंग्स मिल रही है हमें, और अभी वीक डेज में भी धीरे धीरे करके जो क्राउड है उसे वो इम्प्रूव होगा, जैसे जैसे इस लोग इस बारे में सुरक्षा और पूरे। अभी कोरोना काल के समय में 5 महीने लगभग बंद रहा है हनुवंतिया रिसोर्ट, जिसमें मतलब बोट क्लब को इसी महीने स्टार्ट किया गया है, और पूरी सुरक्षा के साथ में टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं, सैनिटाइज किए जा रही हैं बोटें, और ये सब सुरक्षा के साथ में हमने इसको चालू किया था, और अभी धीरे धीरे करके बहुत रिस्पॉन्स जो है।